ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को नमस्कार। आइए आज हम सभी मिलके भगवान विष्णु और गरुड़ जी के वार्तालाप से जुड़े हुए विषय को सुनते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है, एक सत्य ऐसा आता है, वह सत्य है मृत्यु। हर किसी को उस सत्य को जानना जरूरी है और अपने जीवन के विषय में जानना जरूरी होता है। मनुष्य का कर्म क्या है उस विषय को जाने, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बहुत सौभाग्य भाग्यवान वही होता है जो मनुष्य का तन प्राप्त करता है। बड़े कितने हजारों योनियों में भ्रमण करने के बाद, कितने पुण्य के बाद जाके यह मनुष्य शरीर मिलता है और इस शरीर को ऐसे ही निरर्थक नहीं जाने दिया जाना चाहिए। आइए हम आप सबको बैतरणी नदी, मनुष्य मरणोपरांत के बाद जब यमदूत उसके जीव को लेके यमपुरी को जाते हैं, तो इसके बाद बैतरणी नदी पड़ती है और बहुत से ऐसे कष्ट झेलने वाले नगर पड़ते हैं जिनका आज हम आप सबके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। बैतरणी नदी सुई की भांति, जो बैतरणी नदी सुई की भांति मुंह वाले कीड़ों से भरी हुई होती है। उस नदी में जैसे ही पापी जीव पड़ते हैं, वैसे ही हाहाकार करने लगते हैं। हे हाय भ्राता, हाय पिता, हाय माता करते रहते हैं। भूख प्यास भी उन्हें व्याकुल करती है। तब जीव रुधिर को पी जाते हैं और मांस को ही खा जाते हैं। भयप्रद होने के कारण उनको देखकर ही जीव मूर्छित हो जाते हैं। उसमें जहरीले सांप बिच्छू जीव को घेर लेते हैं। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उस नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते जीव पाताल में चला जाता है और क्षण भर ठहर कर फिर ऊपर आता है। यह विष्णु जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, यह नदी पापी जीव आत्माओं के लिए ही बनाई गई है। जिसका आर पार दिखाई नहीं देता वह बहुत ही दुख प्रद है। इस प्रकार पापी जीव यम मार्ग पर रोते चिल्लाते दुखी होकर चलते हैं। यम दूत किसी को पास में बांधकर, किसी को अंकुश द्वारा खींचकर यम लोक ले जाते हैं। यम दूत जो होते हैं पापियों को किसी के नाक कान में डोरी डालकर, किसी को पास में बांधकर और किसी को गर्दन भुजा और पैरों में जंजीर बांधकर यम लोक ले जाते हैं। उनको यमदूत मुग्धर से मारते हुए ले जाते हैं। रक्त निकलने पर उसी रुधिर को जीव को पीना पड़ता है। इस प्रकार इन दुखों को पाकर वे अपने कुकर्मों को याद करते और रोते चिल्लाते दुख उठाते यम लोक पहुँचते हैं। इतने दुख उठाने पर भी यम मार्ग में हाय पुत्र, हाय पौत्र इत्यादि चिल्लाते रहती है। जो जीवात्मा होती है वो उसकी माया दूर नहीं जाती, वो अपने पुत्रों पौत्रों अपने परिजनों का चिंतन करते हुए चिल्लाते रहते हैं। उस समय वे पश्चाताप करते हुए कहते हैं, बड़े भारी पुण्यों से हमने अत्यंत दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त किया था, उसे व्यर्थ में ही गंवा दिया। पाछे पीछे पछताने से कुछ नहीं मिलता।
इसीलिए मनुष्य जीवन प्राप्त है, तो अपना कर्म करो, सद्मार्ग पे चलो, दया भाव रखिए, और यही सत्कर्म है। इसके बाद वो जीव यह कहता है कि कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, विधि एवं श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा नहीं की, न साधु संतों की ही सेवा करी, इसलिए जीव को अपने कर्मों को भोगना पड़ रहा है। जीव सोचता है, मैंने कभी पतित पावनी गंगा जी का जलपान भी नहीं किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की और न महात्माओं का सत्संग ही किया, कोई परोपकार भी नहीं किया है, हे देहाभिमानी, अपने कर्मों का फल भोग। जीव अपने मन में यही कहता रहता है। प्यासे से जो प्यासे से मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए कोई कूप या जलाशय नहीं बनवाया, ब्राह्मणों और गौ की जीविका के लिए कोई साधन नहीं बनाए, इसलिए हे देहीन, अपने बुरे कर्मों का फल भोग। वेद शास्त्रों का न कभी सुना न मनन किया, कभी पुराणों को नहीं सुना और न रामायण या महाभारत गीता को सुना, इससे हे देहीन, अपने कर्मों के फल को भोगो। अपने स्वामी की आज्ञा का कभी पालन नहीं किया, कभी बड़ों का आदर सत्कार और उनकी सेवा नहीं की, इसलिए हे देहीन, अपने कर्मों के फलों को भोग। स्त्री शरीर पाकर स्त्री शरीर वाले या पुरुष शरीर वाले, स्त्री शरीर पाकर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, कभी उनसे मधुर वचनों का प्रयोग नहीं किया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, कभी अतिथि का सत्कार नहीं किया, इस कारण जीवात्मन अब अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा नारी शरीर पाया, परंतु हे देहीन, तूने न तो महीनों के न चंद्रायण व्रत ही किए और न उस शरीर को नियमों के अनुसार कर्म किए। इस प्रकार अनेक विलाप करता हुआ स्त्री पुरुष जीव अपनी पूर्व देह को स्मरण करता हुआ हाथ मल मल कर कहता है कि मनुष्य शरीर मुझे अब नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर अब नहीं मिलेगा, ऐसा कहता हुआ जीव यम मार्ग में जाता है। वह प्रेत रूपी जीव 17 दिन तक वायु के समान चलता है और 18वें दिन सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर बहुत से प्रेत रहते हैं, वहां पुष्प भद्रा नदी है। पूर्दर्शन नेग्रोध वहां का राजा है। यहां पर जीव थोड़े समय के लिए विश्राम करता है। यहां पर वह अपने स्त्री पुत्र आदि को याद करके चिंतन में डूब जाता है। तब यमदूत कहते हैं, तुझे स्त्री पुत्र धन मित्र याद आ रहे हैं, कोई किसी का काम नहीं आता, अपने कर्म ही साथ चलते हैं, उन कर्मों को भोगता हुआ यमपुर का मार्ग पूरा कर हे परलोक जाने वाले जीव, तुम यमराज तथा हमें नहीं जानते, हम और यमराज तुम्हें दंड अवश्य देंगे, यह सत्य है, अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में ना नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में दंड जरूर मिलता है, इसीलिए सत्संग सत्य का मार्ग, दया धर्म का विचार, सद्विचार रखिए, किसी को दुख तकलीफ ना दीजिए, सत्कर्म में रहिए, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन बनाए। ओम नमो नारायणाय नमः।